आज हम कंपैरिजन करेंगे MI A4 में और POCO X2 में और जानेंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले से, तो MI की है 6547 इंच की, रेजोल्यूशन है फुल HD में और इसमें AMOLED डिस्प्ले का यूज किया गया है। POCO के डिस्प्ले हैं 6567 इंच की, रेजोल्यूशन है फुल HD में और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में MI आगे हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की, दोनों का सेम है। स्नैपड्रैगन का है 730G का, CPU है 2.2 GHz ऑक्टाकोर का, दोनों में ही 8 नैनोमीटर का फिन है, दोनों का GPU है 618 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों का सेम है एंड्रॉइड 10 Pie का। बात करते हैं बैक कैमरा की, तो MI का है क्वाड में 64 MP प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 MP का, POCO का बैक कैमरा क्वाड में है 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 MP का। बात करते हैं सेंसर की, दोनों का सेंसर सेम है, सोनी का है 686, दोनों का बैक कैमरा में थोड़ा बहुत फर्क है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो MI का है 16 MP का, POCO का है डुअल 20 प्लस 2 MP का। फ्रंट कैमरा के मामले में POCO आगे हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो MI में है 5260 mAh की और POCO में है 4500 mAh की। दोनों फ़ोन में बड़ी टाइल्स नोनेबल हैं, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बात करते हैं चार्जर की, तो MI का है 30W का चार्जर, POCO का है 27W का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में 3.5 Pa दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर फैसल दोनों फोन में दिया हुआ है। बात करते हैं सिम की, तो MI में आप सिर्फ 2 SIM डाल सकते हो, लेकिन POCO में आप 1 SIM या दूसरी सिम एसडी कार्ड डाल सकते हो, ट्रिपल सिम का ऑप्शन नहीं है। कनेक्टिविटी दोनों में 3G पहुंच चुकी है और वारंटी सिम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की, तो MI में 6GB 8GB की, POCO में भी यही है। बात करते हैं मेमोरी की, तो MI में 64GB 128GB की और POCO में एक और दे रखे 256GB की 64GB 128GB की। बात करते हैं ग्लास की, तो दोनों का सेम है, ग्लास गोरिल्ला का है, 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। बात करते हैं प्राइस की, तो MI का जो एक्सपेक्टिव प्राइस है वो 20,000 के आसपास होने वाला है और POCO का प्राइस है 6GB और 64GB का 16,999 रुपये और 6GB और 128GB का 17,999 रुपये और 8GB 256GB का है 20,999 रुपये। आप लोग दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, MI या POCO? वैसे दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया है MI है, लेकिन MI का अगर मान लीजिए 22 या 20 हज़ार के आसपास प्राइस आता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा POCO से, लेकिन फिर भी दोनों फ़ोन बढ़िया है। बाकी आपकी सोचें आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, तो कमेंट में।